तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट्स। डायनेमिक चार्ट्स की हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने चार्ट्स के बारे में बताया था, चार्ट्स की फॉर्मेटिंग के बारे में और चार्ट्स पे जो हमारा सेकेंडरी एक्सेस वगैरह होता है उनके बारे में बताया था हमने। चार्ट को कैसे चेंज करेंगे, चार्ट के टाइप क्या क्या है और चार्ट के ऊपर पिक्चर वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज हम आपको चार्ट के ट्रिक्स बताएंगे, राइट? अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि चार्ट को बनाने के लिए हमारा पर्याप्त डेटा होना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ एक परसेंटेज है, जैसे 35%। अब मुझे इसको चार्ट में दिखाना है, सिर्फ 35% को चार्ट में कैसे दिखाएंगे? क्या तो इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं 100% यहाँ लिख देता हूँ, कई सारे तरीके हैं इसके, और यहाँ 100% नहीं, हाँ 100% और 135%, तीनों को सेलेक्ट किया और इंसर्ट में गया और यहाँ हमारे पास एक डे लाउट चार्ट होता है, या फिर आपके यहाँ पे भी होता है, ये सही रहेगा, सनबर्स्ट चार्ट, इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता और हमारे पास फॉर्मेट सार सीरीज में जाता हूँ, ऑप्शन के लिए खुल रहा है, इसमें से सीधा तो नहीं खुलता है। हम यहां जाते हैं, लेआउट चार्ट लेते हैं, सनबर्स्ट चार्ट में से नहीं खुलता है, इसमें देखें। हाँ, अब इसको देता है, आपको एंगल दिख रहा है ना आपको सर, एंगल बढ़ाने पे घूमता है, इसको हम 270 डिग्री पे हम चेंज करते हैं। तो ये जो आपका 100% नीचे वाला जो है, अब देखिए मैं इसको इसको तीन पार्ट में किया, ये हमारा 100% हो गया, ये हमारा नहीं, यहाँ पे 100% नहीं करना है, इसमें हम करेंगे 100% माइनस 35%, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा 100% हो रहा है और ये अकेला 100% है, तो हमारा चार्ट जो है तीन पार्ट में बटा, क्या सर? गुड सर। तो तीन पार्ट में हमने क्यों बांटा चार्ट को? क्योंकि जो 50% वाला पार्ट है वो इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको इसको पहले यहाँ पे जाके हम इसको रोटेट करें 270 डिग्री पे, तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो 50% वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आने से बेनिफिट क्या होगा कि मैं इस पे कलर करूंगा और इसकी फिल में जाके कर दूंगा नो फिल, तो ये हमारा जो 380 डिग्री था वो 180 डिग्री हो गया सर, 360 जो आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ आपके एक्सप्रेशन है ये साइज के लिए, कम करता हूँ तो साइज हमारा बढ़ रहा है, अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। और इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे, मैं बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देता हूँ, और इसकी जो कलर है, इसकी कलर को मैं सॉलिड फिल में, इस कलर को मैं हल्का ग्रे कर देता हूं और इसको ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए 50%, 40%, सॉरी ये दिक्कत हो गया, ये आपका ये आ गया, ये आपका ये हो गया, स्वैप करना है इसको,
तो सिंपल स्वैप करने का क्या करना है, यहाँ पे हम 40% रखते हैं और यहाँ पे 100% माइनस 40%, आप सही है ना, 45, 50, 60, ठीक है सर, समझ में आया। इसको और दूसरा एंगल क्या हो सकता है, चलिए दूसरा एंगल बताता हूं आपको मैं, कि मेरे पास यही पे 25 माने परसेंटेज ही है हमारे पास, मान लीजिए 25% सॉरी। तो सेम चीज हम यहां पे कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे कि 50% माइनस इसको कर देते हैं, सॉरी इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और फिर इसको 50% माइनस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 50% कर लेते हैं। सेम मतलब है जो हमने ऊपर लगाया था, वो जो पिछले क्लास में लगाया वही सेम है कि इन दोनों का जो है आपका सम 50% होना चाहिए और इसका सम आपका 50% होना चाहिए। तीनों का सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये चार्ट होता है, इस चार्ट को ले लीजिए, ठीक है। सेम इसको इसके इस पे जाइए और इसका एंगल जो है 270 डिग्री पे चेंज कर दीजिए और नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए और फिल में जाके इसको नो फिल कर दीजिए, सेलेक्ट करके नो बॉर्डर नो लाइन। अब इसका कलर जो है मैं वही ग्रे ग्रे कर देता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, या कोई और कलर भी रख सकते हैं आप, राइट। मैं इस सबको डिलीट कर देता हूं, चार्ट टाइटल भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं जाता हूं फॉर्म में डेटा, नहीं सिलेक्ट डेटा पे और सीरीज पे जाके मैं ऐड करता हूं और यहां जो टाइटल ब्लैंक है इसके जगह पे 25% को ले लेता हूं एंड ओके। ये ट्वेंट अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। फिर से मुझे लेआउट पे जाना पड़ेगा, तो मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ और इसका कलर जो है इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके फॉर्मेट पे जाते हैं और यहां से लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और यहां पे 0% इसको सही से अरेंज कर देता हूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पे 50% करूँ तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट में और यहाँ पे 50% या ऐसे 10% इस तरह से भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उस पर टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा आपको जरूरत हो। फिर डिजाइन में ऐसे फॉर्मेट मगर हाँ फॉर्मेट में ये हमारा परसेंटेज है 100। ठीक है सर, एक तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा तीसरा अगला जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, सेम उसी का है कि मेरे पास 25% है तो मैं इसके आगे पीछे 100% लगाता हूं,
और यहाँ भी 100% लगाता और इसको सिलेक्ट करता हूँ। इंसर्ट में मैं चूज करता हूँ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में करने के बाद मैं इसको यहाँ ऐसे ला देता हूँ। उसके बाद आप इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं, सीरीज को भी डिलीट कर सकते हैं, वन को भी डिलीट कर सकते हैं, चार्ट टाइटल को भी डिलीट कर सकते हैं या रख सकते हैं, डिलीट भी करते कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ लाइन को भी। उसके बाद मैं इसके इस पे जाता हूँ और ओवरलैप दिख रहा होगा। ओवरलैप से क्या होता है, पीछे जा रहा है ना सर, तो इसको 100% हम ओवरलैप कर देते हैं, राइट? तो सब बड़ा कर देते हैं। और इसके एक चीज और दिक्कत हो गई। अब मैं पर ले आता हूँ, चेंज करता हूँ इसको लेआउट को। यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है, ये दिक्कत करता है, इसलिए हमने इसको ऑटो से 1% रख दिया, 100% मैक्सिमम। ये फिक्स करना जरूरी होता है, उसके बाद रखो या डिलीट कर दो, आपकी मर्जी है। और ये जो परसेंटेज है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, 25% वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इस पे जाके ओवरलैप किया, एक दूसरे के पीछे कर दिया मैंने। अगर 2 है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ ताकि वो पीछे चला जाए, ठीक है? तो आप इसमें भी इस तरह से कर सकते हो। सीरीज में डिलीट कर देते हैं, हाँ, 1 में डिलीट कर देता हूँ। इसमें भी इससे भी कर सकता हूं मैं कि मैं इसकी कलर ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी ब्लैक नहीं, सॉलिड में मैं इसका कलर ये कर देता हूँ और इसका ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा 30% ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, सॉरी गलत हो गया, 100% को चेंज नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अगर मुझे इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कैसे करेंगे? चलिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा अपने चार्ट के ऊपर, देखिए हम अपने इस पे जाएंगे, इंसर्ट इलस्ट्रेशन में सैप्स में, और ये जो हमारा सिलेंडर चार्ट है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर को लेते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। पहले मैं इसका कलर रेड कर देता हूं, या जो कलर रखना है रख सकते हो। तो इसका पहले मैं इसका बॉर्डर, इसको नो फिल करूंगा और इसका बॉर्डर कलर जो है उसको रेड कर दिया, या जो करना है कर दीजिए। बॉर्डर का साइज बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ साइज, या फिर विड्थ तो मैं थोड़ा सा मोटा कर दिया इसको, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए पिक्चर कर दिया और चेक कर लिया कोई फालतू एक्सरसाइज तो नहीं है कि नहीं है। अब मैं इसको कॉपी करके पीछे वाला जो एरिया है, जो हमारा 100% वाला है, उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गया, फिल पे गया और पिक्चर्स पे गए और हमने क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर लिया, ठीक है? मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं कि इसमें मैं कलर फिल करता हूं, कौन सा? रेड कलर, जिस कलर का हमारा बॉर्डर था, याद रखिएगा। और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं नो आउटलाइन कर देता हूं। अब मैं इसको कॉपी करके पिक्चर कर दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस पे, तो डायरेक्ट करने से कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम। यहाँ राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, पिक्चर्स और हम यहाँ पे क्लिप बोर्ड, ठीक है सर? अब देखिए 40, 50 लग रहा है सर, जैसे बॉटल फिल हो रहा है, क्लियर है सर? हेलो राजू जी, यस सर, क्लियर है जी सर, समझ आ रहा। ओके, अब अगला एग्जांपल चलिए देखते हैं। अब अगला एग्जांपल में स्पीडोमीटर की बात हम कर रहे हैं,
ठीक है। तो स्पीडोमीटर में सबसे पहले मुझे मीटर बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने 10, 20, 30, फिर मैं इन सबों का सम कर दिया, 30, ये कितना है, 40, और फिर आपका 100। इन सबों को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में गया, हमारे पास डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट पे गया। मैं चार्ट टाइटल को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, और सेव इसको हम राइट क्लिक करता है, फॉर्मेट डेटा सीरीज में, और इसको 270 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं, और नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिल में नो फिल। ये हमारा नॉर्मल जोन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें मीटर लगाना है। 270 डिग्री रोटेट क्यों कर रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक है इसके पीछे? हाँ लॉजिक है, तभी वो 50% वाला नीचे आ जाता है। अच्छा ठीक है। अब दूसरा इसमें हमें, ये हमारा बन गया मीटर, अब इस पे कांटा बनाना है ना हमें, ठीक है। यस सर। तो कांटा बनाने का तरीका होता है, ये आपका वैल्यू हो गया जिससे कांटा, ये आपका पोजीशन हो जाएगा, कांटा का पोजीशन, कांटा क्या पोजीशन कितने नंबर पे रहेगा, 100 100। मैं तो पोजीशन मैंने बोल दिया कि मेरा 15 रहना है, और फिर हो जाएगा साइज, कांटे का साइज क्या होना चाहिए, फिर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद मैं सम करता हूं टोटल को और माइनस इसको सम करता हूं, ये आपका एक्स्ट्रा होता है ईएक्सटी, और मैंने इसको इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, यहाँ पे आपका आता है सिलेक्ट डेटा, और इस पे हम ऐड करते हैं, और ऐड करते समय हम यहाँ पे आके इस तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ ये 11 सीट नेम, हाँ इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके, देन ओके। उसके बाद बाहर वाले एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और चेन सीरीज टाइप पैप जाते हैं। अभी आपका डेन आउट चार्ट जो है येलो कलर, ये मतलब कि जो सीरीज वन और सीरीज टू जो आपका है, इस सीरीज टू को हम कन्वर्ट करते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करके, क्योंकि हमारा डेन आउट चार्ट भी तो 270 डिग्री पे है, इसको मुझे 270 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा, और ये जो एक्स्ट्रा तीन पार्ट हो गया, ये आपका काटा हो गया, ये आपका पोजीशन साइज, साइज ये पोजीशन देता है, ये आपका एक्स्ट्रा है। सबसे पहले एक्स्ट्रा वाले को कलर में गया और इसको करते हैं नो फिल, फिर इसको जो गया और इसको करते हैं नो फिल, चलिए। और इसकी बॉर्डर जो है, इसकी बॉर्डर भी है, तो मैं फिल में बॉर्डर को भी नो लाइन कर देता हूं, और इसका कलर अगर मुझे रखना है ब्लैक तो सॉलिड फिल में, सॉरी सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, एंड सॉलिड फिल में इसका सॉलिड फिल, और रेड की जगह पे ब्लैक रख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसका पोजीशन साइज जो है मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, 3 है, मैं 2 कर देता हूँ तो और पतला हो जाएगा, 1 कर देंगे तो और पतला हो जाएगा, 15, 20, 30, 40, ठीक है, 50 पे आ गया ना, क्योंकि तीनों मिला के 60 है ना, ये आपका 10 का सिंबल है, ये आपका 20 का है, तो 10 20 30 हुआ, ये आपका 30 है,
30 पे 60, तो यार 60 का जगह छुटा हुआ है। आप इस पे मार्किंग करना चाहो तो मार्किंग कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स से। तो स्पीडोमीटर बनाना आ गया। अब इसमें थोड़ा सा और टाइम दोगे तो थोड़ा सा और सुंदर बनेगा। मैं तो जल्दबाजी से बनाया आपको, ठीक है सर? पर इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा रियल टाइम में? हमने यूज की बात पूछ दी तो मुझे इसके लिए आपको एक मिनट, आपने डैशबोर्ड्स कभी बनाया है? हाँ जी सर। डैशबोर्ड्स में इसका यूज होता है पोर्टल पे। डैशबोर्ड एक्सेल, आप आगे आ जाइए इमेज में। अभी इसमें दिख रहा है आपको ये? दिखा? यस सर। ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड में आप देखोगे इसको। हेलो, सॉरी सर, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे डैशबोर्ड में देखिए, यहाँ देखिए आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स भी इसको देखा जाता है, तो आप इसका बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो मेथड यही है, बाकी आप लोग इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट? तो मैंने कई सारे ट्रिक्स आपको बताए इसमें, बहुत सारे ट्रिक्स बता दिया आपको। हेलो, आवाज आ रही है सुजीत सर? हाँ हाँ सुजीत सर, कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया गुलशन का। अब कैसे, अभी आ रही है आवाज सर? सर आवाज तो आ रही है पर वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है आपको? आ रही है वीडियो सर? राजू जी एंड आशुतोष जी, नहीं सर वीडियो नहीं आ रही। हाँ सर आ रही है। अरे जब सब वीडियो भी दिखा नहीं रहे तो कहाँ जाएगी? अभी तो वाला पेज ओपन कर रखा है सर ने। अब आया सर आपका ये पेज आ रहा है? नहीं सर, बस वो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है आपका। इंटरनेट स्लो है शायद आपका, ऐसा कुछ शो कर रहा है ये। मेरा मॉडल चेंज हुआ है, मुझे ये वो लाइट चली गई ना, जैसे वाईफाई दूसरे उधर बंद हो गया, दूसरा कनेक्ट हुआ, लाइट कनेक्ट हुआ। एक मिनट दीजिए मैं चलता हूँ। हेलो, यस सर, आवाज़ स्क्रीन सर? यस सर, हाँ सर आवाज़ स्क्रीन आ गया। अब मैं दोबारा देता हूँ स्क्रीन, जाइए अब सही दिखेगा आपको। चलिए, तो हमने आपको बहुत सारे चार्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं। अब इसको आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ठीक है सर, कल हम आपको इसमें फॉर्मूला चार्ट के अंदर फॉर्मूला वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे सर। और जो फॉर्मूला वगैरह करते हैं, डायनेमिक फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, इसके बारे में हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप जो है इसमें अपना यूज कीजिए और मुझे करके दिखाइए, ठीक है सर? ये फाइल तो सर आवाज डिस्टर्ब सर, रिपीट करना सर क्या कहा था अभी आपने? मैंने बोला कि मैं आप लोगों के फाइल भेज दे रहा हूं, आप okay.
इसका इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको ये 5-6 एग्जांपल बताया, ट्रिक्स बताए, ऐसे आप 7-8 इस जो ट्रिक्स है वो ढूंढिए। श्योर सर, श्योर। इसमें मेरा नाम ऐड नहीं है, वो क्या बोल रहे सर? मेरा नाम ऐड नहीं है सर इसमें, ईमेल में कल भी फाइल नहीं आई थी। क्या है मेरा आईडी बताइए? राजू कुमार। अच्छा अच्छा ठीक है। या राइट, यस सर। यदि हमें डे टाइम में कुछ जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो हम आपसे तभी भी गाइडेंस ले सकते हैं? टेलीफोनिक सपोर्ट है, आप फोन कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। अगर मैं फोन नहीं उठाया तो व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दूंगा। क्लास में नहीं हुआ तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्लास में हुआ तो मैं फ्री कॉल करूंगा। ओके सर, ठीक है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय सर, टेक केयर सर।